नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर सहित यूपी के कई जिलों में गंगा किनारे दफन की गई हजारों लाशों की तस्वीरें सामने आने के बाद अब कन्नौज की बारी है। यहां गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के साथ ही रेत में दफन की गई लाशें नजर आने लगी हैं। मंगलवार को ऐसे तमाम शव गंगा के बहाव के साथ बहते देखे गए। इसके अलावा किनारे दफन किए गए शव भी रेत के बहने के साथ बाहर निकलकर कुत्तों और चील कौओं का आहार बन गए। मोक्षदायिनी के किनारे का यह दृश्य इतना विभत्स है कि यहां खड़े होने पर श्रद्धा के बजाय घृणा होने लगती है। स्थानीय लोगों की माने तो अभी भी बड़ी संख्या में लोग गंगा की रेत में अपने परिजनों के शवों को दफना रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि गंगा किनारे शवों को दफनाने से रोका जाए, लेकिन यहां पुलिस की निगरानी की सारी व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है। कुछ जगहों पर लाशों की सड़न से दुर्गंध भी उठने लगी है। यह अलग बात है कि लाशों की या सड़ान सड़े हुए सिस्टम की नाक तक नहीं पहुंच पा रही। इस बीच जिले के एडीएम ने कहा कि गंगा तटों की निगरानी के लिए टीमें बनाई तो गई थी, लेकिन कोविड-19 टीकाकरण अभियान के चलते समीक्षा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा है कि गंगा के किनारों पर टीम भेजकर मामले की जांच करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।